अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, और वो क्या है, हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कैसे रहें, क्या ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको हम फॉलो करें और हम कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि हम कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एतमाद। और एतमाद कैसे आता है, एतमाद आपकी स्ट्रगल से आता है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आता है, और इस बात से भी आता है कि आप में कोई फियर ना हो। ओके, तो फियर ऐसा नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही फियर ना हो, कुछ चीज़ों के लेके फियर अच्छा भी होता है, लेकिन बेवजह फियर ना हो कि हर चीज़ से डरते चले जा रहे हैं, हर चीज़ से डरते चले जा रहे हैं, हर चीज़ को बुरा ही समझ चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी फियर नहीं होना चाहिए ना। ओके, तो फियर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस, अब हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम को देख लें ना, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सिवाय रट्टा मारने के, सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने के, सॉरी मेरी हंसी निकल गई क्योंकि आई एम ए टीचर एज वेल, सो मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा, मैं खुद भी स्टूडेंट थी इसलिए मेरा तब से भी एक्सपीरियंस है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ज़्यादातर सिर्फ रट्टा ही मारते हैं, और उनमें कॉन्फिडेंस नाम की जो चिड़िया है वो बेचारी आती ही नहीं। कॉन्फिडेंस उनमें क्यों नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बुक पे लिखा है, लकीर को पीटेंगे नहीं हम, लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, तो हम जो नंबर चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। अगर किसी का मकसद टॉप करना है तो वो उतना ज़्यादा अच्छा रट्टा मारेगा। अगर कोई एवरेज पे है तो वो जितना मर्जी जो है वो कर ले कोशिश, वो थोड़ा बहुत एवरेज ऊपर चला जाएगा। और अगर कोई बेचारा पास होने के लिए पढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही रट्टा मारेगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी का तो कॉन्सेप्ट ही इतना नहीं डेवलप हुआ ना हमारी कंट्री में। सो ये बहुत ही एक कह लो कि एक फ्लॉ है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, कि जो सिर्फ रट्टू तोते तो हर साल बहुत सारे निकाल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट बंदों की बहुत ज़्यादा कमी है। कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता उनमें, तालीम बहुत होगी, CGPA होगा 3.9 3.8 4 में से, CGPA होते ही 4 में से है, तो ये इतना हाई CGPA, लेकिन कॉन्फिडेंस को देखो तो ज़ीरो। क्या फ़ायदा ऐसी स्टडी का जिसने आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया या फिर आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी नहीं बनाया। तो कॉन्फिडेंस होना तो ज़रूरी है, अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या करेंगे आप स्टडी का। जैसे कि अगर कोई पढ़ा लिखा है वो टीचिंग के लिए जाता है, उसको उसने जो पढ़ा है वो कन्वे करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्या करेगा स्टडी का, कुछ भी नहीं। तो कॉन्फिडेंस हो ना, जैसे कि अगर आपको अपने आप पे एतमाद हो कि हाँ जो ये मैं कर रहा हूँ ये सही है और ये मुझे किसी एक अच्छी चीज़ पे लेके जा सकता है या एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकता है, मेरे गोल को अचीव करवा सकता है, तो वो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस दे देगी वो चीज़। लेकिन अगर आपकी वो क्या कहते हैं ना, आपका काम ही कुछ ऐसा है कि बस रट्टा मारा और ये कर लिया, दूसरों को फॉलो कर लिया, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तरीका तो होगा कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ सकें, तो बिल्कुल है। और कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ जिसको फॉलो करो कि आप तो आप में इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या है कि आपको अपने सेल्फ बिलीव्स को नहीं सुनना है। सेल्फ बिलीव हम खुद से कुछ भी बना लेते हैं किसी को भी जज करके। जैसे सेल्फ बिलीव ये कि जी कि अगर वो केमिस्ट्री पढ़ता है ओके, तो केमिस्ट्री बनने के बाद उसको बहुत अच्छी पोस्ट पे वो होगा और बहुत अच्छी सैलरी होगी, बहुत अच्छा उसका जो है वो सारा कुछ होगा, उसकी बड़ी डिमांड होगी, जबकि रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी अगर देखी जाए तो इससे बहुत ही कंट्रास्ट करती है, बहुत ही डिफरेंट है। तो ये बात तो कहीं पर भी नहीं देखी कि आप अगर कोई फील्ड को चूज़ करते हो तो उसका एंड जस्ट आपको सक्सेस ही देगा। बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, क्योंकि जिनका पैशन और प्रोफेशन एक होता है, वो पैशनेटली इसी काम को कर रहे होते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा।
कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा कि जब आप अपने अपने पैशन को फॉलो करोगे, दूसरों की बताई हुई डायरेक्शंस को, जो कि आपको जस्ट पता है, अगर एक रेवड़ को देखा जाए ना, रेवड़ रेवड़ समझते हो, जिसमें बहुत सारे जानवरों को एक ही कह लो कि जानवरों का ग्रुप, जिसमें एक इंसान जो है वो उसको लेके जा रहा होता है दूसरी तरफ, जिस भी तरफ उसने लेके जाना उसको, तो वो जानवरों के रेवड़ को नहीं पता कि ये इंसान हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। ओके, वो सिर्फ इंसान को पता है कि हाँ मैंने इनको वहाँ लेके जाना है, इन्होंने जाना है वहाँ। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी भी यही हालत हुई है। इसमें एक बच्चे के पैशन को फॉलो करना तो दूर, उसकी मर्जी भी पूछनी जाती कि उसने करना क्या है। एटलीस्ट यहाँ पे क्या है जी, हाँ जी, चलो जी, इतना मुश्किल पढ़ाई करने के बाद इवन के डॉक्टर्स इंजीनियर्स को भी जॉब नहीं मिलते, क्यों है ऐसा? ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम के अंदर, बहुत सारी खराबियां हैं, जिसको सही करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता। बस लकीर के फकीर बने हैं सारे, और उसी को पीटते चले जा रहे हैं, बस ठीक है, रिजल्ट चाहे कुछ भी ना मिले। तो ये बात जो है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है, और इंसान वही है कि जो इतने सारे फ्लॉज को देखते हुए उनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे, उसको ठीक करने की कोशिश करे। ओके, अगर उसको नज़र आई गई हैं चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करे, ना कि उसमें मज़ीद खराबियाँ करता चला जाए, या दूसरों को भी मशवरा देता रहे कि हाँ ठीक है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्यों ऐसा कर लो, क्योंकि वो कह रहे हैं तो कहता रहे। रिजल्ट उसका जो होगा अल्टीमेटली, वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट होना है, जिसने कहा है उसकी लाइफ पे इफेक्ट नहीं होना। ओके, तो आपका जो पैशन है वो आपको खुद फॉलो करना चाहिए। सेल्फ बिलीव, एक बिल्कुल आपने जो अपनी तरफ से बिलीव बना लिया है ना, वो गलत हो सकता है, साबित हो सकता है, तो जिस चीज़ में प्रोबेबिलिटी हो गलत होने की, वो सेल्फ बिलीव ही है जो आपने खुद से बना लिया। तो उसको हमने जो है वो ख़त्म करना है अपनी सोसाइटी से, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके। और बिल्कुल अपने सेल्फ बिलीव्स को लिमिट करते हैं, आप ख़त्म करते हैं, कोशिश करें कि इनको फॉलो ना करें, और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करें। और सेल्फ बिलीव, आपने ये भी कि किसी ने ये कह दिया तो हाँ शायद ऐसा हो जाएगा, तो वो वैसा नहीं भी हो सकता। ओके, सो दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए, हेल्दी टॉक करनी चाहिए, और पॉजिटिव टॉक से ही आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, आपका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा, और फिर आप अपने पैशन को इजीली फॉलो कर सकोगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हो, इजीली प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, और इससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको अपने फियर्स को कंट्रोल करना है। अपने फियर्स को कंट्रोल करेंगे तो जाहिर है फिर आप ये सक्सेस अचीव करना मुश्किल नहीं रहेगा। अपने फियर्स जैसे कि फेलियर का फियर है, अगर आपने अपना गोल को सेट किया है, जैसे कि अगर किसी का गोल है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा, या नेक्स्ट जो है वो इस, क्योंकि हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ही हुकूमतें रेजोनेट करती रहती हैं, इधर से उधर उधर से उधर, तो इनके अलावा भी तो कोई होना चाहिए ना, कि जो न्यूट्रल होके कंट्री का भला करना चाहे बजाय अपना भला करने के। फिर क्या है, फिर आपको क्या करना चाहिए, ये आपका जो फियर है ना कि शायद मैं फेल हो जाऊँ अपने इस पैशन को फॉलो करते करते, तो बिल्कुल फेलियर इज अ पार्ट, फेलियर जो है वो क्या कह सकते हैं हम लोग, कोई बुरी चीज़ नहीं है। फेलियर्स होने चाहिए आपकी लाइफ में, फेलियर्स होंगे तभी तो आप सीखोगे, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, तभी तो आप एक चीज़ को 10 तरह से करने की कोशिश करोगे। तो फेलियर्स तो आपको सिखाते हैं, ना कि आपको चिढ़ाते हैं कि आप ये चीज़ ना करो। फेलियर्स तो आपको एक तरह से डायरेक्शन देते हैं कि आप एक चीज़ को 10 तरह से कर सकते हो। जैसे अगर एक फ्यू ये जो बल्ब है, बल्ब जो रोशनी देता है हमें, इसको देखा जाए तो एडिसन साहब ने 1000 दफ़ा कोशिश की थी, 3 दफ़ा उसने सैकड़ों बार कोशिश की, तो फिर जाके बल्ब बना था।
और इतने सारे उसको मेथड्स मिल गए थे, सिर्फ उस एक मेथड या जिस जब बल्ब बन गया था तो सैकड़ों उसको मेथड्स मिल गए थे कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी तो हम कामयाब। ओके, तो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस करते रहें, उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और इससे चीज़ें क्या हो सकती है। पांचवा पॉइंट क्या है कि अपने आप क्या करो, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो। अपने आप को आइडेंटिफाई मतलब अपने उन चीज़ों को, अपने उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लो अपने इर्द गिर्द जो आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। ओके, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस देता है आपका गोल, तो अपने गोल को लिख के भाई कहीं पे चिपका दो अपने कमरे में, अपनी किसी बुक पे जिसको आप रोज़ खोलते हो, या कुछ भी ऐसा कुछ मेमोरी में कि आपका गोल आपको बैठने नहीं देता, तो आप उसको लिख के कहीं पे लगा लो ताकि आपको याद रहे कि आपका ये गोल है और आपने इसको अचीव करना है। उसके लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाओगे, एक फेल होगी दूसरी बनाओगे, तीसरी फेल हो जाएगी चौथी बनाओगे, इस तरह से आप लोग बहुत सारे प्लान्स को फॉलो भी करोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि अगर आप फेल करते हो तो आपकी क्या क्या वो वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से आप फेल करते हो, और आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लोगे। ओके, तो फेलियर को भी आप पॉजिटिव वे में लेके जाओ। ओके, अपने फैक्टर को जब आप लोग इस तरह से वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कंप्लीट कन्वर्ट करते चले जाओगे तो आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके पास एक गोल हो, स्ट्रैटेजी हो, कॉन्फिडेंस हो, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आई होप कि आपको जो है डिस्कशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताओ कमेंट में। और इसके अलावा कोई और टॉपिक अगर आप बताना चाहते हो जिस पर हम डिस्कशन कर सकें तो वो भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच माय डियर व्यूअर्स, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।